वहीं देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का मेजबान अब बनने जा रहा है दिल्ली, और ऐसे में केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से साफ सफाई और सौंदर्यकरण किया जा रहा है, वहीं वन महोत्सव के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा राजधानी में हरित क्षेत्र इसको बनाया जाए जिससे प्रदूषण में कमी आए। इसके लिए लोगों को 7वें वन महोत्सव में निःशुल्क पौधे भी दिए गए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। सरकार G20 की तैयारियों में जुटी हुई है, उधर दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। चाहे सरकार की बात कर ले या दिल्ली नगर निगम की, पूरी तैयारियां की जा रही है कि दिल्ली का सौंदर्यकरण हो। और इसी सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। सर, क्या तैयारियाँ है दिल्ली सरकार की? दूसरी तरफ केंद्र सरकार तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। एक बड़ा कह सकते हैं कि देश के लिए बड़ा दिन है जब G20 की जो बैठकें होंगी। देखिए, सरकार पूरी ताकत के साथ अपने तैयारी में लगी हुई है। सभी विभाग अपने अपने काम कर रहे हैं। दिल्ली को हरा भरा करने का अभियान चल रहा है, और वन विभाग तो पिछले 2 महीने से लगातार वन महोत्सव के माध्यम से जनता को भी जागरूक कर रहा है, और लोगों के माध्यम से भी पौधे लगाने का, सरकार की तरफ से पौधे लगाने का अभियान चल रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि पूरी दिल्ली हरी भरी है। 7 वन महोत्सव आयोजित कराए गए, ये बेहद खास रहा, इससे लोग जागरूक तो हुए, कितना असर आपको लगता है इससे पड़ेगा इन वन महोत्सव में, और आज आखिरी वन महोत्सव था? देखिए, जिस तरह से जितनी बड़ी तादाद में इस गर्मी उमस के महीने में लोग आए, पौधे ले करके गए, कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो पौधे छोड़ के चला जाए, वो इस बात को दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मिशन है वह अब एक जन अभियान बनता जा रहा है। कितना इफेक्ट बढ़ रहा है? आप भी कहते हैं कि 30% जो है प्रदूषण राजधानी दिल्ली में कम हुआ है। आने वाले समय में और कुछ इस तरह के प्रोग्राम सरकार अपनी तरफ से चलाने वाली है, लोगों को जागरूक करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण दिल्ली में हो? निश्चित रूप से, अभी तो ये पहला चरण वन महोत्सव के माध्यम से पूरा हुआ है। G20 के बाद जो है इस अभियान के दूसरा चरण हम शुरू करेंगे, और पूरे दिल्ली के अंदर इसे और हम घरों घरों तक लोगों को बात दे जाएंगे। तो बिल्कुल, दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो हरित क्षेत्र है राजधानी दिल्ली में उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और जो प्रदूषण है उसको खत्म किया जाए। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।